40 वर्षों से अधिक समय से संचालित होने वाले नगर के प्राइवेट पुष्प कल्याण अस्पताल बंद होने से क्षेत्र के मरीज भटक रहे हैं। परेशान नागरिकों ने आवाज उठाते हुए बंद हॉस्पिटल को पुनः खोलने के लिए सीहोर कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पुष्प कल्याण हॉस्पिटल आष्टा के सेमनारी रोड स्थित है, जहां विशेष रूप से जहरीले जीव जंतुओं सांप बिच्छू और गोयरा के काटने पर उचित उपचार किया जाता था, जिसमें कई ऐसे हजारों मरीजों का उपचार कर नया जीवन दान दिया गया है। बीते दिनों राजनीतिक दबाव में हॉस्पिटल के लाइसेंस निरस्त करने के कारण अस्पताल बंद हो गया है, जिससे अब जहरीले जीव जंतु के शिकार मरीजों को अन्य जगह इधर उधर भटकना पड़ रहा है। सर, मांग ये की गई है कि पुष्प कल्याण हॉस्पिटल चालू हो। जहरीले जानवर से आए दिन मतलब बहुत लोगों को काटा है, अभी कम से कम 7-8 लोग आ चुके हैं और एक वृद्ध महिला की मौत भी हो गई है जो दीवड़ के काटने से। तो कहीं तक हमारा फर्ज बना कि भाई मानव जीवन के लिए सहयोग करा जाए, अन्यथा बैन प्रतीक्षा के खिलाफ जो है डॉक्टरों के ऊपर वो कानूनी कार्रवाई कहीं की जाए, पर जो पुष्पविद्यालय वो पुष्प हॉस्पिटल है उसे पुनः चालू कराया जाए, क्योंकि पूरे एमपी में कहीं भी नहीं है ऐसा हॉस्पिटल जो जहरीले जानवर का इलाज कराया जाए। बहुत लोगों को परेशानी हो रही है और सभी की ये मांग है, ग्रामीण क्षेत्र की भी मांग है कि वो हॉस्पिटल पुनः चालू हो। और कई व्यक्तियों को तो मालूम ही नहीं है, वो डेली आते हैं डेली जाते हैं, बेचारे परेशान होते हैं बहुत ज्यादा। आष्टा से ईएमएस शिवी के लिए दिनेश पवार की रिपोर्ट। We'll be right back.